बैठे हो अगले लम्हे घर जाओगे। निशांत, इस हफ्ते की भविष्यवाणी पढ़ी थी? तकदीर में क्या है? नहीं पढ़ी थी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि इस राउंड और या मैं और बीजी हुई टफ कॉम्पिटिटर्स है और दिनेश जी का ये राउंड अच्छा नहीं गया। इस बात का फैसला तो अब हमारे करेंगी कि किस दिए में कितनी रोशनी है। मुझे लगता है दिनेश जी अब लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है जो आप बोल रहे हैं, तो बस कीजिए प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। चलिए, वक्त आ गया है, वक्त का पहिया चलना शुरू हो गया, फैसले की घड़ी नजदीक आ गई। फिर वही सवाल, रिस्क या रुखसत। अब तीन ही बातें हो सकती है। आपको लगता है कि आपकी कमाई हुई रकम औरों से कम है और बंडलबाजी से बात नहीं बनेगी तो पैक कर दे और अब तक की जीती हुई रकम लेकर चले जाए। पर अगर आपको लगता है कि भले ही आपकी जमा रकम कम है पर आपके पोकर फेस में दम है तो कोशिश कीजिए कि कोई और पैक कर दे। पर अगर किसी ने पैक नहीं किया तो सबसे कम रकम वाले खिलाड़ी को अब तक कमाया हुआ सब कुछ लुटाकर घर जाना होगा। तीनों तैयार? तो आ जाइए टक्कर के लिए। दस सेकेंड्स और इसके बाद दस मिनट भी नहीं बचेंगे और कोई एक 10 लाख रुपए जीत जाएगा। पर उसके लिए चाहिए सामने वाले दोनों से 10 गुना ज्यादा कंट्रोल और कॉन्फिडेंस। क्या होगा काउंटडाउन में? इस ब्रेक के बाद साथ मिलकर एंजॉय करेंगे पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा। सारा माहौल सस्पेंस से भरा है ये देखने के लिए कि किसका पोकर फेस किसको पैक करने पर मजबूर करता है। शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पैक। पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा में आपका स्वागत है। सारा माहौल सस्पेंस से भरा है ये देखने के लिए कि किसका पोकर फेस किसको पैक करने पर मजबूर करता है। हैंड्स बाय योर बजर प्लीज। शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 तो निशांत। निशांत ने पैक कर दिया, क्यों? क्या ये उनका निर्णय सही था या गलत? आइए निशांत देखते हैं। क्यों पैक कर दिया आपने? 10 लाख के इतने करीब थे और फिर मैदान छोड़ दिया लास्ट 2 सेकेंड्स में। मैंने डिसाइड किया कि चलो पैक कर लेते हैं क्योंकि जो बाकी अपोनेंट्स है उनका स्कोर मेरे से ज्यादा ही था। नहीं तो आप नहीं चाहते थे कि चांस ले और किसी को पोकर फेस करें? मैंने ट्राई किया, आपने देखा होगा मैंने बहुत ट्राई किया। क्वेश्चंस इतने मेरे आंसर्स अच्छे नहीं गए। आज का ये शो कौन जीतेगा? आज का ये शो बीजू जीतेगा। 2 सेकंड पहले जब आपने डिसाइड किया कि मैं आप पैक कर देता हूँ, क्या वो आपका निर्णय सही था या गलत? देखते हैं बैंक बैलेंस। सही, सही निर्णय था आपका। फेस रीडिंग की स्किल आपकी अच्छी है लेकिन शायद इतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि आपको लगा था कि बीजू शायद लीड कर रहा होगा लेकिन दिनेश जी काफ़ी आगे। लेकिन मेरे ख्याल से दिनेश जी पैकअप कर देंगे, बीजू नहीं करेगा। ओके, निशांत थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और अब आखिरी मुकाबला, 2 आम चेहरे 2 खिलाड़ी। इस राउंड में हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 30,000 रुपए। अब से कुछ ही मिनटों में एक की जेब में होंगे 10 लाख रुपए और कुछ रातों बाद गारंटीड 1 करोड़ रुपए के लिए खेलने का मौका। रेडी? तो अब वक्त आ गया है टू प्ले द गेम पोकर फेस, दिल सच्चा चेहरा झूठा।
राउंड फाइव क्वेश्चन वन, थर्ड एम्पायर या टीवी रिप्ले के द्वारा आउट घोषित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए स्टीव वॉग, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन सी ब्रायन लारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन टू, दक्षिण भारतीय अभिनेता चिरंजीवी की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रजा राज्यम, ऑप्शन बी प्रजा सेवम या ऑप्शन सी प्रजा देशम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रजा राज्यम। क्वेश्चन थ्री, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कितने द्वीपों का समूह है? ऑप्शन ए 342, ऑप्शन बी 422 या ऑप्शन सी 572। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 572। क्वेश्चन फोर, सूर्य से धरती तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 5 मिनट या ऑप्शन सी 8 मिनट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 मिनट। क्वेश्चन फाइव, इस राउंड का आखिरी सवाल, जब हम थांगटा कहते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए सामरिक कला, ऑप्शन बी एक पोशाक या ऑप्शन सी एक तलवार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सामरिक कला। और इसी के साथ आज के सवाल जवाब खत्म। दोनों को मालूम है कि उन्होंने कितना जीता, पर एक दूसरे की कमाई से अनजान है। चिंता मत कीजिए, आपसे नहीं छुपाएंगे। ये रहा फाइनल बैंक बैलेंस। फाइनल मुकाबले में अपनी स्थिति को मजबूत रखते हुए दिनेश 370,000 के साथ बैंक बैलेंस में बीजू से ऊपर है। गेम की शुरुआत से लीड करने वाले बीजू अब दिनेश से 55,000 रुपयों के फासले पर है। आखिरी पोजीशन पर होते हुए भी क्या बीजू का कॉन्फिडेंस उनका पोकर फेस दिनेश को पैक करने पर मजबूर कर पाएगा? कौन आज घर ले जाएगा 10 लाख रुपए, दिनेश या बीजू? दिनेश जी, ये राउंड आपके लिए कैसा था? काफी अच्छा रहा, जाने पहचाने सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीजू के लिए कैसा रहा होगा ये राउंड? आई एम विक्टोरियस। आपके लिए ये राउंड कैसा था? बहुत अच्छा। दिनेश जी के लिए कैसा गया होगा, कोई अंदाजा? अच्छा ही गया होगा, ज्यादा तो नर्वस दिख नहीं रहा है। दिनेश जी की जनरल नॉलेज पे आपको कितना भरोसा है? इनके जनरल नॉलेज पे और इनके इनकी जो स्ट्रेटजी रही है अब तक, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इतने मशरूफ हो गए कि अपने आप को ज्ञानी जताने में कि ये एक बात भूल गए कि दूसरा कितना ज्ञानी है ये भी देखना चाहिए। दिनेश जी, बीजू का चेहरा पढ़कर आपको क्या लग रहा है? काफी नर्वस है बेचारा, यंग है, अभी एक्सपीरियंस की कमी है, तो नेचुरली ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे वो झलक आ ही जाती है, जितना मर्जी छुपा लो, पोकर फेस नहीं है वो। और अभी आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मेरे मन में एक ही सवाल है कि आई एम द फेस ऑफ पोकर फेस। आने वाले 10 सेकेंड्स तय करेंगे कि ये लाइफ से कितना जीतने का दम रखते हैं। अगर आप आज 10 लाख जीतना चाहते हैं और इसी रविवार को 1 करोड़ रुपए के लिए खेलना चाहते हैं, तो दिखाइए अपने पोकर फेस का ऐसा कमाल कि अगला पैक कर दे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अगले से कमजोर पोजीशन में है और रिस्क लेना आपके DNA में नहीं है, तो पैक कर दे और अब तक की जीती हुई रकम लेकर चले जाए। पर अगर दोनों ने पैक नहीं किया तो कम रकम वाले खिलाड़ी को घर जाने के लिए बस का किराया छोड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। दोनों तैयार? जी शर्मन जी। तो आ जाइए आखिरी टक्कर के लिए। अपने सबसे बड़े राइवल को कोई आखिरी पैगाम? आखिरी मौका है उनके लिए घर जाने का कुछ लेकर, अदरवाइज बाहर शायद एक टैक्सी या स्कूटर ऑटो कुछ मिल जाएगा घर जाने के लिए। मेरे पास सिर्फ 3 लव्स है, सेम टू यू। गॉड ब्लेस यू। हैंड्स बाय योर बजर प्लीज।
शुरू करते हैं फाइनल काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मिथुन ने पैक कर दिया और दिनेश जी आज के विजेता। वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश जी, वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 लाख रुपए के विजेता बिजू, वेल प्लेड, वेल प्लेड। अप इन द फ्रंट पोकर फेस के आज के एपिसोड के विनर और आज का सबसे बढ़िया पोकर फेस दिनेश जी। लेट्स हियर इट वंस मोर फॉर दिनेश जी। बिजू, अपने फैसले पर कोई अफसोस? बिल्कुल नहीं। आपको यकीन है कि दिनेश जी आपसे आगे ही होंगे? यस, लेकिन मैं खुश हूँ कि जो स्ट्रैटेजी से मैं आया था इस गेम में, वो स्ट्रैटेजी मैं निभा पाया और जिस प्लान से मैं आया था वो बिल्कुल फुल प्रूफ था। दिनेश जी जी, ज्ञान की बदौलत और पोकर फेस की बदौलत दोनों को आप बराबर का वजन देते हैं? बिल्कुल, 100%। तो घर पे पता है सभी को कि आप बंडलबाजी में इतने बड़े एक्सपर्ट हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को मेरे ज्ञान पे भरोसा है। और आज जाकर उनसे क्या कहेंगे कि भैया बंडलबाजी से पैसे तो लेकर आया हूँ, तो अभी किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बंडलबाजी और ज्ञान दोनों कर दो तो एक अच्छा पोकर फेस बनता है। राइट सर। और अब शायद आप दोनों तड़प रहे होंगे एक दूसरे की बैंक बैलेंस में पोजिशन देखने के लिए, और शायद बीजू ज्यादा। बीजू, आप जीत चुके हैं 3,15,000 रुपए। फैंटास्टिक। और पैक करने का आपका ये निर्णय सही था या गलत? दिनेश जी आज जीते हैं 3,70,000 रुपए। बीजू गुड कॉल, सही डिसीजन लिया आपने। दिनेश जी, ना सिर्फ आपने आज 10 लाख रुपए जीते, आप इस रविवार को फिर खेलेंगे पोकर फेस दिल सच्चा चेहरा झूठा, और इस बार गारंटीड 1 करोड़ रुपयों के लिए। और अब तक तो आपको आदत लग चुकी होगी पोकर फेस की मेरी, आखिर ऐसा शो आपने पहले कहां देखा था। तो कल रात डेफिनेटली इसी वक्त 6 नए आम चेहरों के साथ, 6 नए पोकर फेसेस के साथ और हर पल बढ़ते एक्साइटमेंट के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस। गेम शो जो डिसाइड किया क्वेश्चन सेशन, वो क्या फॉरेनर से कंसल्ट करके किया? उनके हर क्वेश्चन में सवाल सारी सही है। वो बैग एक्चुअली मेरा ही है। नसीब से ज्यादा और टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वो शख्स जिसने अब तक की अपनी जीती हुई सारी रकम खो चुका है वो है